Greetings everyone. So today I'm going to teach you about chapter heat, class 7th CBSE board, right? So children, whenever we talk about heat or we say hot and cold, what comes to your mind? है ना, क्योंकि आप बचपन से ही आपने use करा हुआ है when you were small. आपको अगर कोई गर्म चाय का प्याला होता था तो आपके मम्मा आपको पहले ही हाथ पीछे करवा देते थे कि गर्म है मत छुओ, है ना. इसी तरह से आप छोटे थे तभी से आपको गर्मियों में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम अच्छा लगने लगा एंड यू न्यू इट व्हाट इज़ हॉट व्हाट इज़ कोल्ड. बट ये बहुत ही जनरलाइज टर्म है. व्हेन वी आर स्टडिंग साइंस वी कैन नॉट टॉक इन द जनरलाइज टर्म्स, वी नीड टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, राइट. सो लेट अस सी इन चैप्टर हीट. We will, you know it, that ice cream is cold, spoon is hot, fruit juice is cold, handle of a frying pan is hot. ठीक है. Now एक activity है कि आप, हम generalized terms की बात कर रहे हैं. इसमें ठंडा पानी था, इसमें गर्म पानी था, और उसमें जो आप जाड़ों में आइंस्टाइन बन के मिक्स करके एक lukewarm water करते हो, इसमें lukewarm था. तो मैंने लेफ्ट हैंड ठंडे पानी में डाला, राइट हैंड गर्म पानी में डाला. आई फेल्ट, यू सेड ओ दिस इज हॉट, यू सेड दिस इज कोल्ड, फाइन इट इज ऑल राइट. बट व्हेन यू पुट बोथ दी हैंड्स टुगेदर इन सी, योर लेफ्ट हैंड विच वॉज इन द कोल्ड वाटर, उसको लगा ये पानी तो गर्म है, एंड द राइट हैंड विच वॉज इन द हॉट वाटर, इट फेल्ट दैट दिस वाटर इज कोल्ड. तो ये तो फिर हम नहीं कह सकते हैं कि आप, एक कहेगा ये गर्म है, दूसरा कहेगा ठंडा है. इसलिए ह्यूमन बींग्स ने एक नए टर्म को डिस्कवर किया, एंड व्हाट वाज दैट टर्म? द टर्म वाज टेम्परेचर. ठीक है, ह्यूमन्स ने एक नया टर्म इवॉल्व किया एंड दैट टर्म वाज टेम्परेचर. एंड मेजर आप करेंगे कैसे, उसके लिए एक डिवाइस ढूंढी, थर्मोमीटर. ऑलराइट, सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी थर्मोमीटर्स. ओके, नाउ थर्मोमीटर्स चिल्ड्रन, आपको पता है घर में सबने देखा हुआ है, कोई ना कोई बीमार घर में पड़ता ही रहता है ना. तो यू हैव अ थर्मोमीटर एट होम, वी विल कॉल इट क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टर्स थर्मोमीटर, बिकॉज डॉक्टर्स बेसिकली यूज इट इन द हॉस्पिटल और व्हेन यू गो टू क्लिनिक. बट मैन ट्राइड टू बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो उसने कहा नहीं, हम एक थर्मोमीटर घर पे भी रखना पसंद करेंगे. तो ठीक है, इस तरीके से वी हैव द क्लिनिकल थर्मोमीटर. लेट अस स्टडी अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर. मेजरिंग टेम्परेचर के लिए वी हैव थर्मोमीटर्स. And first of all, we are going to study about the clinical thermometer. Okay. See, this is the clinical thermometer. आप सबने घर पे देखा होगा. इस clinical thermometer में क्या होता है? दो scale होती हैं. जिस तरीके से आप छोटे distance को note करने के लिए centimeter, inch वगैरह use करते हो, long distance के लिए आप क्या scale use करते हो? Kilometer, है ना? या उतनी दूर का है मीटर यूज़ कर लिया, रूम को मेजर करना है, फील्ड को मेजर करना है, मीटर यूज़ कर लिया. तो उसी तरीके से टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हमारे पास तीन स्केल हैं. केल्विन हो गई आपकी, फारेनहाइट एंड सेल्सियस. केल्विन का काम अभी क्लास सेवेंथ में नहीं है, इसलिए हम लोग केल्विन नहीं टच करेंगे. हमें किस चीज़ का काम है? हमें काम है सेल्सियस एंड फारेनहाइट. ओके, ना हमारी डेली आम बोलचाल की जो भाषा है, वी यूज सेल्सियस स्केल, यस और नो, है ना. हम बोलते हैं कि कल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था या सेल्सियस था. सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस इज सेम, डोंट गेट कन्फ्यूज. ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर हम बोलते हैं कि 24 था. ठीक है ना, तो हम टेम्परेचर हाई एंड लो नहीं कहते हैं, हम उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू नोटिंग योर बॉडी टेम्परेचर,
डू वी टॉक अबाउट कि ह्यूमन बॉडीज का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. सो डू वी टॉक अबाउट इन द टर्म्स कि भाई आपका मेरा टेम्परेचर जो है आज 39 हो गया. नो वी डोंट टॉक है ना. सिंस आर चाइल्डहुड वी आर लिसनिंग अबाउट अनदर स्केल दैट इज दैट ओके नॉर्मल टेम्परेचर इज 98.4. अब अगर सेल्सियस में नॉर्मल 98.4 होगा तो हम लोग बॉइल होकर इवेपोरेट हो जाएंगे है ना. तो यहाँ पर हम कौन सी स्केल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट फारेनहाइट स्केल. ठीक है. तो जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें दो स्केल होती हैं. एक स्केल होती है आपकी जो कि फारेनहाइट में टेम्परेचर बताती है, और दूसरी स्केल जो होती है वो आपकी बताती है सेल्सियस में. ठीक है. जो सेल्सियस स्केल होती है उसका मिनिमम होता है 35. ठीक है. जो आपकी सेल्सियस स्केल होती है उसका मिनिमम होता है 35 और मैक्सिमम जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. नोट इट डाउन. सेल्सियस स्केल का मिनिमम होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम जाता है आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. तो 35 और 42 क्यों रखा, सिर्फ यही क्यों रखा, क्योंकि 35 के नीचे भी द ह्यूमन इज डेड एंड 42 के ऊपर भी अगर टेम्परेचर होता है तो पर्सन विल डाई. ह्यूमन बॉडी कैन एक्सेप्ट द बॉडी टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. इसके नीचे या ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे या ऊपर अगर टेम्परेचर है इस रेंज से अलग है तो दैट ह्यूमन इज भगवान को प्यारा डेड. ठीक है. इसी को अगर हम लोग फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी होती है 94 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फारेनहाइट. फारेनहाइट की रेंज क्या है ह्यूमन बॉडीज की, 94 डिग्री फारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है. यही रेंज रखी जाती है, इसलिए इस रेंज से कम या ज़्यादा द पर्सन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. तो आपको ये रेंज मिल जाएगी ना. होता क्या है इसके अंदर में, लेट अस सी. होता ये, यहाँ पर आपको मर्करी दिख रहा होगा. ठीक है. चमकीला सिल्वर. वाई मर्करी, बिकॉज मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज इन अ लिक्विड स्टेट एट द नॉर्मल टेम्परेचर. काफ़ी रेंज में मर्करी आपकी लिक्विड स्टेट में रहती है. नॉर्मली ये लिक्विड स्टेट में ही रहती है, इसलिए मेटल आपको पता है हीट की बहुत बड़ी कंडक्टर है ना. तो मर्करी अगर हम भरते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा मर्करी विल स्टार्ट मूविंग. और यही होता है ना, आपकी मम्मा आपके मुंह में उसको झटक के लगाती है. झटकती क्यों है ये भी जान लीजिए. यहाँ पे बल्ब, ये पूरा ग्लास का बना होता है. ठीक है. यहाँ पे जो बल्ब होता है इसके अंदर में मर्करी भरी होती है. मर्करी सिल्वर है, ग्लास ट्यूब है. ये जब टेम्परेचर इसको मिलेगा तो ये मूव करेगा और जहाँ तक भी आएगा वो रीडिंग आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर क्या है. ठीक है. तो एक तो क्या ग्लास बॉडी में रखते हैं, ये भी क्यों रखते हैं जी, मर्करी हम ग्लास बॉडी में क्यों रखते हैं. ग्लास बॉडी में रखने का रीज़न ये है कि मर्करी चिपकती नहीं है ना. अगर हम मेटल की बॉडी रखेंगे तो वो मेटल बाहर से भी हीट ले रही है और फिर उस मेटल में मर्करी चिपक भी जाएगी और जो करेक्ट रीडिंग हमें चाहिए, जो हमारा पर्पज़ है, वो सॉल्व नहीं होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट इन अ ग्लास ट्यूब. या आजकल बहुत ही ट्रांसपेरेंट गुड क्वालिटी आपकी प्लास्टिक्स आने लगे हैं टू बी ऑन दी सेफर साइड, क्योंकि ग्लास में एक्सीडेंट्स बहुत होते थे. मर्करी इट्सेल्फ इज़ हाईली टॉक्सिक, बहुत विषैला होता है ना, टॉक्सिक होता है. तो मर्करी ग्लास ट्यूब से टूट के बाहर निकल जाता था, लोगों के मुँह कट जाते थे इफ़ दे आर नॉट केयरफुल. तो इसलिए उसको बहुत अच्छी सी ग्लास ट्यूब के बजाय उसको अच्छी सी प्लास्टिक ट्यूब में रख दिया गया. ठीक है. तो दैट इज़ वाई मर्करी इज यूज. वाई वी कीप इट इन अ ग्लास ट्यूब, बिकॉज ग्लास ट्यूब में विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, अच्छी ट्रांसपेरेंसी है. ग्लास इट्सेल्फ इज नॉट अ गुड कंडक्टर,
है ना, तो टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो, इसलिए ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें यहाँ पर किंक है, ये कंस्ट्रिक्शन है, एक ऐसे दबा हुआ है, किंक है। तो किंक का क्या पर्पस है भाई, आप लेटे हुए थे थर्मोमीटर लिया, बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे हैं, जैसे भी हैं, थर्मोमीटर अगर मुंह से निकाला और अगर किंक नहीं होगा, जरा सा हाथ टेढ़ा ऐसे ऐसे हुआ, मरकरी आगे पीछे हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेकिंग द थर्मोमीटर, है ना। ये किंक जो होता है, ये मरकरी जहाँ आपके मुंह से निकली यहाँ पर थी तो वो वहीं रहने देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर किंक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किंक का क्या पर्पस है, कि किंक हेल्प्स टू टेक द करेक्ट ब्रीदिंग फ्रॉम द मरकरी। एक और आपको प्रिकॉशन ध्यान में रखना है, जब आप रीडिंग कर रहे हो, आप ऐसे देखोगे, सपोज दिस इज माय थर्मोमीटर, तो एक स्केल आपको चलेगी फारेनहाइट की, एक सेंटीग्रेड की, नोबडी रीड सेंटीग्रेड, पीपल सिंस बिगनिंग यू हैव हर्ड टॉकिंग अबाउट इट इन द दिस फारेनहाइट स्केल। आप थोड़ा सा उसको घुमाओगे बट आपको सही रीडिंग कहाँ मिलेगी, जब आपके आँख के लेवल में थर्मोमीटर है, ठीक है। So these are the precautions you need to take care, and one very important feature, कि जब भी आप थर्मोमीटर री यूज कर रहे हो, है ना, बार बार आप एक बार यूज एंड थ्रो तो करते नहीं हो, सो वेन एवर यू आर री यूजिंग इट, प्लीज वॉश इट विद डेटॉल और सेवलॉन सम डिसइंफेक्टेंट, ताकि जो जर्म्स हैं वो एक के मुँह से दूसरे के मुँह में ट्रांसफर नहीं हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आप एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो बात यह है कि बॉडी टेम्परेचर लोगों के अलग अलग होते हैं, है ना, आपके मम्मा पापा, आप भाई बहन, सबके बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है। किसी का 97.6 भी हो सकता है, किसी का 98.4 होता है, किसी का 98.6 होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस लाजमी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट थर्मोमीटर वी आर गोइंग टू स्टडी इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की भी अगर आप पिक्चर देखिए, इसमें किंक नहीं होती है और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -10 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्यों, आप लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो लेबोरेटरी में भाई हम बॉडी टेम्परेचर तो नहीं नोट कर रहे हैं, हम केमिकल्स को बॉयल भी कर रहे हैं, उनको फ्रीज भी कर रहे हैं, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, यहाँ पर हम सेंटीग्रेड में बात करते हैं, ठीक है, इन द लेबोरेटरी वी टॉक अबाउट सेंटीग्रेड, तो वो -10 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। किंक नहीं होता है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप निकाल कर ऐसे रीड नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही रहता है, या तो आप हाथ से करते हो, नहीं तो आप उसको एक स्टैंड से ऐसे फिक्स कर देते हो, और स्टैंड में क्या है कि वो बॉटम नहीं छूना चाहिए, बाकी के प्रिकॉशंस तो क्लिनिकल की तरह ही हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जिस भी पैन में है ये, उसकी बॉटम या साइड्स नहीं छूना चाहिए। जिस भी लिक्विड का आप टेम्परेचर ले रहे हो, ये पूरा का पूरा इसका बल्ब उसी में ही डूबा रहना चाहिए, ठीक है। क्यों, रीज़न है कि अगर देखो ये मरकरी है, हम लिक्विड का टेम्परेचर 73 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिल्क बॉईल कर रहे हैं, पाश्चराइज कर रहे हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर इसने पैन को छुआ तो पैन तो हीट हो रहा है ना, उसका टेम्परेचर भी ये मरकरी को मिल जाएगा, तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। सो दिस इज द प्रिकॉशन विच यू नीड टू टेक रिगार्डिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट इज गिवन हियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वेरी मच यूजफुल दीज डेज इज द दिस थिंग। ये बड़ा इजी है, डिजिटल थर्मोमीटर है, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं, कोई टूटने फूटने का डर नहीं, और एक बार में बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें थर्मोमीटर की रीडिंग करनी नहीं आती है, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का भाई आदमी ने साइंस को क्या किया, अपने यूज़ के लिए इम्प्रोवाइज करता गया,
है ना। तो उस इम्प्रोवाइजेशन में क्या हुआ कि डिजिटल थर्मोमीटर की डिस्कवरी हुई, वेरी हैंडी, एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं। और आजकल आप कोरोना पीरियड में, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना युग चल रहा है, आपने उसमें देखा होगा कि हर जगह आप मॉल में जा रहे हो, शॉप पे जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, वेर एवर यू आर गोइंग, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, देर इज़ अ गन काइंड ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर विच इज पॉइंटेड एट यू टू टेक योर बॉडी टेम्परेचर। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द थ्री थर्मोमीटर्स एंड इनका कंपेरेटिव अकाउंट भी आ सकता है, इनके बारे में भी लिखना आ सकता है, किंग के बारे में भी आ सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या हम बॉइलिंग मिल्क या हॉट मिल्क का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी अपर लिमिट जो है वो 42 ही है। बॉइलिंग मिल्क आपका अगर 70-80 डिग्रीज पे है तो वो मर्करी विल लीव द ग्लास ट्यूब एंड द थर्मोमीटर विल ब्रेक। इसीलिए इसको सूरज के अंदर भी नहीं रखना चाहिए भाई, 42 से ऊपर टेम्परेचर आया तो इट विल ब्रेक। ठीक है, सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ थर्मोमीटर्स फॉर यू इन दिस चैप्टर एंड इन पार्ट टू आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। थैंक यू सो मच।